हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी इंडियन ट्रेडिशनल मेकअप लुक। इस मेकअप लुक को आप किसी भी वेडिंग फंक्शन या किसी भी पार्टी में कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेरे फेस पर अप्लाई करूंगी टोनर। आपके पास टोनर नहीं हो तो आप रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फेस को मॉइस्चराइज करूंगी बायोटिक की मॉइस्चराइज क्रीम से। यहाँ पे आप कोई भी मॉइस्चराइज क्रीम यूज़ कर सकते हो अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। ये जो मॉइस्चराइज क्रीम है ये बहुत लाइट मॉइस्चराइज क्रीम है और ये ऑल स्किन टाइप है। उसके बाद प्राइमर के लिए मैंने पर्पल का प्राइमर लिया है। ये आपको पर्पल की साइड से इजिली मिल जाएगा और अब तो वैसे भी सेल चली हुई है। बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करो। उसके बाद मैं कफ एंड लैश का ये कवर पाउडर लूँगी। उसको मैं मेरी अंडर आइज पे जहाँ जहाँ पिंपल्स के निशान हैं वहाँ वहाँ लगा लूँगी। ये एज ए कलर कैरेक्टर का भी काम करेगा। बहुत अच्छे हैं जो ये कवर पाउडर हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करो। बहुत अफोर्डेबल भी है और बहुत बेस्ट वाले भी हैं। इसको लगा के फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी इस तरह से। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ करूँगी इसको ब्लेंड करने के लिए ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद लैक्मे की सीसी क्रीम ली है मैंने यहाँ पे। इसको डॉट डॉट करके मैं मेरे पूरे फेस पे लगा लूँगी। अगर आपके पास सीसी क्रीम नहीं हो तो आप बीबी क्रीम का यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके पास सीसी क्रीम बीबी क्रीम हो आप वो यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद फिंगर की हेल्प से इस तरह से डैब डैब करके ब्लेंड करूंगी। फिर ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करूंगी इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। इस तरह से अगर आप सीसी क्रीम या बेबी क्रीम लगाते हो तो अच्छा कवरेज देती है और ज़्यादा टाइम तक स्टे भी करती है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। पहले फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करें, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करें इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। उसके बाद कफ एंड लैश का ये कवर पॉट लूँगी। इसमें मैंने शेड लिया है आईबेरी। उसको मैं मेरी अंडर आइज पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ और आईलिड पे लगा लूँगी इस तरह से। और इसको पहले मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी इस तरह से, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। इसके बाद पर्पल के कंपैक्ट से इसको सेट करूंगी। सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही मैं इसको लूँगी और फेस पे इस तरह से डैप डैप करके इसको सेट करूँगी। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। यहाँ पे मैंने रिवर्सल का ये पैलेट लिया है, उसमें से मैं ये येलो शेड पिक करूँगी और एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं मेरी क्रीज में इसको अप्लाई करूँगी और ब्लेंड करूँगी इस तरह से। उसके बाद ये शेड पिक करूँगी और इसको मैं आउटर वी पे अप्लाई करूँगी इस तरह से और धीरे धीरे करके क्रीज में लेके जाऊँगी ब्लेंड करते हुए। ये थोड़ा छोटा ब्रश है। उसके बाद ये गोल्डन कलर पिक करूँगी और फिंगर की हेल्प से मैं मेरी 1/3 आईलिड पे इसको लगा लूँगी। नेक्स्ट सेम कलर को मैं मेरी लोअर लैश लाइन पे लगा लूँगी सेम ब्रश की हेल्प से। उसके बाद आईलाइनर लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने लैक्मे का लाइनर लिया है। नेक्स्ट ब्लू हेवन का मस्कारा लिया है मैंने यहाँ पे। उसको मैं मेरी अपर और लोअर आईलैश पे लगा लूँगी। इसके बाद आईब्रो को फिल करूंगी। यहाँ पे मैंने सेम पैलेट से ही एक डार्क ब्राउन शेड को पिक किया था, उससे ही मैं मेरी आईब्रो को फिल कर रही हूँ।
आप चाहते हो तो पेंसिल का यूज़ कर सकते हो अपने आईब्रो को फिल करने के लिए। नेक्स्ट फॉल्सेस अप्लाई करूंगी, उसके बाद फेस को कंटूर करूंगी। यहाँ पे मैंने सिवाना पैलेट लिया है, उसमें से ही मैं ब्रोंजर शेड को पिक करूंगी और मैं मेरे फेस को कंटूर करूंगी। इसके बाद ब्लश अप्लाई करूंगी सेम पैलेट से ही। मेकअप को सेट करूंगी सेटिंग स्प्रे की हेल्प से। यहाँ पे मैंने NYB का सेटिंग स्प्रे लिया है। उसके बाद डैब डैब कर लूंगी एक्सेस प्रोडक्ट को। नेक्स्ट हाइलाइटर अप्लाई करूंगी सेम पैलेट से ही। उसके बाद लिपस्टिक, यहाँ पे मैंने शुगर की मिनी लिपस्टिक ली है। सो गाइज, यहाँ पे होता है ये मेकअप लुक कंप्लीट। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो और कैसा लगा आपको आज का ये मेकअप लुक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स में। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज सो मच।